राम राम जी। आज शनिवार है जी की कथा है, मैं थान सुनाऊं। आए शनिवार सुना करियो, वो बहुत फल हो। एक ब्राह्मण हो पिपल में जल चढ़ाने जाओ तो रास्ता में शनिदेव जी मिल गया। कह किन्ने जाओ? कह मैं तो राजा के लागन जाऊं। ब्राह्मण सोचो राजा के लाग शनिदेव लाग सी तो प्रजा भूख मर जाएगी। कह कितना साल का लागो? कह 7.5 साल को लागूंगा। तो ब्राह्मण बोले मेरे लाग जाओ पर 7.5 साल को तो कोनी उठो जावे। तो कह 5 गो? कह 5 गो भी कोनी जेलो जावे। तो 2.5 गो? कह 2.5 गो भी ना। 1.25 गो? सब पर ना ना होती रही। तो 2.5 महीना को? 1.25 महीना को? सारा पूछ तो रहे हो। तो बोले नहीं, 1.25 पैर की दशा उठती। कह 1.25 पैरों कम तो मैं लागू को निकलेंगे ना, कोटी घटू ना तिल बदूँ तो इतनी तो लागू लागू। 1.25 पैर की दशा झेल ली। सोचे सो पाठ पूजा करके माड़ा मुनि होकर के उतार दूंगा। तो लेकर घर ही आयो, ब्राह्मणी ने बोलियो मैंने 200 नंगा टका दे दे, तू अपने घर में रहिए, टावरा ने कठी जान ना दीजिए, किसे लड़ाई ना करियो। और मैं 1.25 पैर की शनि जी की दशा झेल ली है, देखो मैं जाऊँ पाठ पूजा करके उतार जाऊँगा। तो नदी किनारे जाकर बैठ गयो, माड़ा फेरन लाग गयो। तो शनि महाराज के करो बड़ा खेत बना दियो, बगीचा बना कर काकड़ी अमतीरा लगा दिया। तो ब्राह्मण सोचो भी एक पैर तो पूरा हो गयो, थोड़ी सी देर है जब तक तब पूरी हो जाएगी। खड़े हो गए, चालन लागे तो काकड़ी अमतीरा दिखा तो तोड़ लिया, 2 काकड़ी 2 अमतीरा। कल अगर जाऊँगा ब्राह्मणी साग सब्जी बना लेगी, टाबर खा लेगा। तो रास्ता में बंगे तो काकड़िया का दड़ हो गया, राजा का कमरांगा मतीरांगा सिर हो गया, लव लुवान मुंडिया बन गई। तो शनि जी आए ब्राह्मण को पेश करके, कतर जोड़ी में दिखा के है। ब्राह्मण बोलो काकड़िया मतीरा है कहीं दिखा दे, दिखा हुआ है तो लव लुवान मुंडी हो रही है, काकड़िया का दड़ बन रहे, मतीरा का सिर बन रहे, राजा का कमरांगा। तो लो मचा दियो, वो कह लो ना मचाओ, ब्राह्मण कवे यो कोई शनिदेव की कृपा होगी तो मुन तो मचाना ही हो। कह राजा का कंवर मार दिया, राजा का कंवर मार दिया, सारी नगरी में लो फिर गयो। राजा ने जाकर शिकायत कर दी भी तेरा कंवरा ने ब्राह्मण मारे बैठे है। राजा बोलो काना सुनाओ ना, आँखा दिखाओ ना, सबड़ी को कम दे दियो ब्राह्मण ने। तो ब्राह्मण बोलो तो मैं कथा कहानी कह लूँ, रिटा थे नई सूढ़ी गड़ाऊँ, मैं ब्राह्मण को खोलूँ पुरानी सूढ़ी पर कौन चढ़ूँ? तो ब्राह्मण ने तो मेरा भी 1.25 पैर पूरा को नहीं हो जो मेरे खेल दिखावे। तो लेकर मैं एक सूढ़ी गड़ावे टूट गई, दूसरी गड़ाई टूट गई, चांदी की सोना की सारी टूट गई। तो इतना में 1.25 पैर पूरा हो गया, राजा का कमर कर खेलना आ गया, खेलता खेलता आ गया। तो राजा सोचो भी ब्राह्मण को प्रचित तो किए कौन जावे, तो राजा बाजो नंगे पैर नंगे सिर और भी कमर तो करे आ गया। ब्राह्मण ने सूढ़ी चढ़ाई तो चढ़ाइयो और काट मारियो ना, ना चढ़ाए तो चढ़ाइयो ना। तो फिर राजा बोलो ब्राह्मण यो के खेल दिखायो? पर मैं के खेल दिखायो? शनि जी तारे लागणावा, मैं अपना सिर पर उठ लियो, मैं कह शनि महाराज ना मेरे लाग जाओ, ब्राह्मण पाठ पूजा कर उतार दूंगा, सिर्फ 1.25 शेर की दशा जल्दी 7.5 को लगन आवो तो थारे लाग तो तुम्हें कह प्रजा भूख मर जाएगी, मैं राजा वन पानी खाऊं तो वहीं मरी मेरे पर उठ ली। तो क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए? राजा गला गए तो काला हाथी को दान दे, काला घोड़ा को दान दे और सोना चांदी को दान दे। गरीब गुरुब गला गए तो क्या करे, गरीब गुरुब कुत्ता तेल चौपड़ का रोटी गिर दे, पीपुर में पानी गाल दे और 7 बारी संदेव मुट्टा कह दे, कदे ना हो टोटा, डाको उतना तेल की पड़ी गाल दे, ऐसे ही उतर जावे गरीब गुरुबा का। तो चलो भी ठीक है, शनिवार की कथा पूरी हुई महाराज, कोई सुना करियो थाना अच्छी लगे। तो मैं थाने शनिवार वाली कथा कही है, आज ये थाना अच्छी लगे तो लाल वाला बटन दबा दियो, टीवी बजा दियो और लाइक भी कर दियो। राम राम जी।